Shifting our focus to some news coming in from the state of Uttar Pradesh that we have been tracking very closely here at Mirror Now. The news that is vile, shocking and shameful. An absolutely distressing video has emerged from a school in Uttar Pradesh's Muzaffarnagar. And in the video, a private school teacher can be seen instructing students to line up individually and hit a classmate from the minority faith. All because the boy failed a math lesson. The teacher can be heard goading student to hit the boy one by one and even pushing some of them to hit him harder. Even when the boy starts crying, she does not tell students to stop. Since the video went viral, the state's education department is probing the incident, including investigating whether there is a communal angle involved. A case of assault and breach of peace has also been filed. UP Deputy Chief Minister says that the state is serious about education for all and steps are being taken to ensure law and order situation in the state is under control. सही कह रहे हैं पढ़ाई खराब हो आज नहीं होगा सही है सही कर रखा था मट्टी पट्टे तो नहीं गिरने के बोल मैं अब बता तू क्या कह रहा मट्टी पट्टे नहीं गिरने की अभी जांच चल रही है अभी हम विद्यालय के जो संसाधन उपलब्ध संसाधन है विद्यालय की बिल्डिंग है विद्यालय में उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच की जा रही है कक्षा कक्ष नहीं में पूरे नहीं है विद्युत का अभाव है शौचालय नहीं दिखाई पड़ रहे हैं गलत है और जो निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 है उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी कीमत पर बच्चों के साथ शारीरिक छात्र के साथ शारीरिक हिंसा शारीरिक प्रताड़ना नहीं की जाएगी जो शिक्षा विभाग के नियम है उसके अंतर्गत जो है जो भी यथोचित कार्रवाई है उसके अनुसार हम लोग रिपोर्ट बना के अपने उच्च अधिकारियों को भेज रहे हैं उसके अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी कल शाम से वीडियो वायरल हो रहा है इसके संबंध में इंक्वायरी की गई इसमें इंक्वायरी में ये सामने आई कि जो ये नेहा पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल है और जो वीडियो करके वीडियो वायरल किया गया उनको उनका बच्चे का चचेरे भाई है तो इसके बाद उनसे जो माता पिता है जब उनसे प्रशासन द्वारा अप्रोच किया गया पुलिस प्रशासन द्वारा तो उन्होंने FIR करने के लिए तहरीर देने के लिए तो एग्री नहीं थे तो फिर सुबह जो ये डेवलपमेंट हुआ कि सुबह उन्होंने थाने में तहरीर दे दी गई और तहरीर दर्ज भी हो गया है कि बच्चों को और उनके माता पिताओं को स्पेशली बच्चों को उनको काउंसलिंग किया गया है क्योंकि तहरीर दर्ज हो गई आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी एंड बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अलग से भी कार्रवाई चल रही है Now, Times Network's Mayank spoke to the father of the boy who was assaulted. He said that when he confronted the teacher over the assault, the teacher was completely unfazed and asserted that this is how it works. Listen into that conversation my colleague had with the father. Right now is joined by Irshad, the father of that child. सबसे पहले आपने उस वीडियो के बारे में कब आपको जानकारी हुई कब का मामला है ये पूरा किस्सा बताइए हमें ये 24 तारीख का मामला है यानी परसों का जी भतीजे ने वीडियो बनाया वहाँ पे स्कूल में किसी कार्य के उससे जा रहा था मैडम को इस बात का ज्ञान नहीं था कि जो इसका भाई लगता है इसने वहाँ पे बैठ के वीडियो बनाया मैडम से बात करते रहे और फिर उसने आके घर पे बताया मैं तो घर पे नहीं था मैं जंगल में था तो जब मैं जंगल में साया मुझे वीडियो दिखा बहुत जोर पड़ा आप एक पिता हैं आज पिता के नाते आपके पास जब सबसे पहले वो वीडियो आपने देखा क्या सोचा आपने आप गए मैडम के पास जी मैडम के पास गए मगर मैडम ने ऐसा कैसे करा ये वीडियो बन रहा तो मैडम ने सीधे ये जवाब दिए कि इसमें गलत क्या है ये याद नहीं करके लाया बच्चा
मगर तो इस बच्चे को और मरवा दो, पूरे स्कूल पे पूरे बच्चों पे चैटे लगवा रही है और ये बोल रही है कि और जोर से मारो, अब गाल लाल हो गया मुंह पे मारो, कह लगी यहाँ तो यही रूल चलता है। मतलब ये उनका ये कहना था क्षमा मांगने के बजाय वो ये कह रहे कि उनका यही रूल चलता जी, है जी, ये कह लगी यहाँ तो यही रूल चलता है, कोई वो बात नहीं करी बल्कि और तड़ंग दे रही थी हमें। क्या अड़ंग दे रही थी, क्या कह रही थी? कि मैं हरियाणा की हूँ, मेरे भाई मेरे परिवार एमपी एमएलए है, मंत्री है। अच्छा, मंत्री एमएलए की धौंस दिखा जी जी। फिर आपने क्या किया इरशाद जी? फिर हम वहाँ से आ गए, आने के बाद हमने ये वीडियो वायरल करा, वायरल करने के बाद चौकी इंचार्ज आए वहाँ यहाँ पे, उसने मैडम से बात करी तो उसी विषय में जो वो वीडियो वायरल हुई हमारी के समझौता होया, तो हमने सोचा कि यहाँ गांव का माहौल ना खराब हो, तो हमने जो है उसे कहा आप हमारे बच्चे की फीस हमें वापसी दे दो जमा कर रखी। Well, that's not all that